6 है, इसमें हमको dy by dx फाइंड आउट करना है और ये हमको दे रखा है x cube plus x square y प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू 81 इज इक्वल टू 81। तो इसमें मेरे को डीवाई बाई डी एक्स फाइंड आउट करना, तो आप ऐसे भी क्या करेंगे डीवाई बाई डी एक्स फाइंड आउट करना है तो आप यहाँ पर करिए डिफरेंशिएट बोथ साइड्स with respect to x, आप throughout with respect to x differentiate कर दीजिए, तो d by dx of x cube plus x square y plus x y square plus y cube is equal to d by dx of 81, 81 तो constant है, अकेला लिखा हुआ है उसका differential तो 0 हो जाएगा, तो right hand side में तो 0 आ गया। हाँ, इधर जो है सबका अलग अलग डिफरेंशिएशन होगा, तो जैसे x क्यूब है तो x क्यूब का डिफरेंशियल क्या हो गया 3x पर, ठीक है, उसके बाद है x स्क्वायर वाई, तो x स्क्वायर वाई का जो डिफरेंशियल है वो क्या होगा, ये दो टर्म्स हैं अलग अलग जो मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इनमें प्रोडक्ट रूल लगेगा, प्रोडक्ट रूल का मतलब पहले x स्क्वायर एज इट इज इनटू dy / dx प्लस फिर y एज इट इज और फिर x स्क्वायर का डिफरेंशियल, x स्क्वायर का डिफरेंशियल इज 2x, ये ब्रैकेट क्लोज हो गया। अब वैसे ही मैं एक्स वाई स्क्वायर में देखूंगा तो यहाँ पर भी प्रोडक्ट रूल लगेगा, तो पहले एक्स एज इट इज और वाई स्क्वायर का डिफरेंशियल, वाई स्क्वायर का डिफरेंशियल बता देंगे क्या होगा, पहले वाई स्क्वायर को करा डिफरेंशिएट तो वो हो गया 2y, जैसे एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल 2x होता है ना, ऐसे ही वाई स्क्वायर का डिफरेंशियल पहले तो 2y होगा और फिर उसके बाद वाई का डिफरेंशियल होगा, वाई का डिफरेंशियल क्या होगा डी वाई बाई डी एक्स, ठीक, फिर y स्क्वायर एज इट इज और x का डिफरेंशियल 1, प्रोडक्ट रूल लगाया मैंने इसमें, नहीं समझ में आया हो तो दोबारा बताता हूँ, आप ये देखिएगा कि जैसे यहाँ पर, यहाँ केवल एक ही वेरिएबल वाला टर्म था x था, तो x का क्यूब दे रखा था, x क्यूब का डिफरेंशियल क्या हो जाएगा 3x square हो गया, ठीक, उसके बाद देखिएगा मोबाइल हटा दो बाद में देख लेना उसको, हाँ कर लो बात कर लो, क्या तो x क्यूब का डिफरेंशियल क्या हो गया 3x square, फिर उसके बाद देखिए x square y में क्या करा हमने, पहले x square को छोड़ा as it is और फिर y का डिफरेंशियल करा तो वो क्या हो गया dy by dx बस, फिर y को छोड़ा as it is फिर x square का डिफरेंशियल करा तो वो हो गया 2x, ये तो प्रोडक्ट रूल लग गया, सेम प्रोडक्ट रूल यहाँ पर भी लगेगा, तो पहले x as it is फिर y square का डिफरेंशियल, तो भाई y square में मेरे को क्या दिखाई दे रहा है, एक तो पावर वाला फंक्शन है, तो y square का डिफरेंशियल क्या हो जाएगा 2y, वाई हो गया, फिर ये तो पावर को डिफरेंशिएट करा हमने, फिर उसके बाद वाई को डिफरेंशिएट करेंगे तो वाई का डिफरेंशियल क्या हो जाएगा डीवाई बाई डी एक्स, डीवाई बाई डी एक्स हो गया। अच्छा तो ये क्या करा हमने, एक्स को एज इट इज छोड़कर वाई स्क्वायर को डिफरेंशिएट करा था, समझ गए, वाई स्क्वायर में क्या लगा चेन रूल लगा, उसके बाद फिर वाई स्क्वायर को एज इट इज छोड़ा फिर एक्स का डिफरेंशियल हुआ, क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। अच्छा अश्विका बताइए यहाँ तक क्लियर है, ठीक है, उसके बाद देखिएगा फिर ये वाई क्यूब है, तो वाई क्यूब में क्या होगा, वाई क्यूब का डिफरेंशियल हो जाएगा थ्री वाई स्क्वायर, थ्री वाई स्क्वायर हो गया, और फिर ये तो मैंने वाई का क्यूब यानी कि क्यूब को डिफरेंशिएट कराया, अब अंतर क्या है, क्यूब के नीचे क्या है वाई है ना, तो वाई को डिफरेंशिएट करना है डी वाई बाई डी एक्स और इज इक्वल टू जीरो, ये पूरा का पूरा डिफरेंशिएट हो गया। अब इसमें मुझे क्या करना होगा, जो भी डी वाई बाई डी एक्स वाली टर्म्स हैं वो एक तरफ रोक लो, बाकी सारी टर्म्स राइट हैंड साइड ले जाएंगे, देखिए चलो पहले ढंग से एक्सपेंड कर लो, थ्री एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई डी एक्स प्लस टू एक्स वाई प्लस टू एक्स वाई डिवाइड बाई डी एक्स प्लस वाई स्क्वायर प्लस थ्री वाई स्क्वायर डिवाइड बाई डी एक्स इज इक्वल टू जीरो, तो डी वाई बाई डी एक्स वाली एक टर्म, दूसरी टर्म और तीसरी टर्म, इन तीनों टर्म्स में डी वाई बाई डी एक्स आ रहा है, तो डी वाई बाई डी एक्स निकालिए कॉमन, तो यहाँ क्या बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस टू
टू एक्स वाई प्लस थ्री वाई स्क्वायर। बाकी सारे टर्म्स हैं जिनमें डी वाई बाई डी एक्स नहीं है उनको राइट हैंड साइड में ले जाओ, तो थ्री एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, जब राइट हैंड साइड में लेकर जाएंगे तो सबका साइन बदलेगा, तो सबका अलग अलग साइन करने के बजाय ब्रैकेट लगाकर बाहर माइनस लगा दीजिए, तो तीनों का साइन माइनस हो गया। अब ये जो है इसको नीचे ले जाओ डिनोमिनेटर को, तो हमारे पास आ गया डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई प्लस थ्री वाई स्क्वायर। ये डी वाई बाई डी एक्स आ गया। सभी को क्लियर? क्लियर बताओ भाई अश्विका, समझ गए? हाँ जी सर, समझ गए। ठीक है, दूसरा बताइए। तो दूसरा है 5.4 का 5th और 7th में ना पार्शियल सही आ गया था, बट मुझे कंफ्यूजन है। 5.4 का 5th क्वेश्चन है log cos e की पावर x। हाँ जी सर। ठीक है सर, ये वाला है ना 4th करा दो। 4th का तो उसमें भी अगर कोई समझ जाए ये टाइप के। एक्सरसाइज 5.4 का क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 में है साइन टैन इनवर्स e की पावर माइनस x, इसको y मान लेते हैं, जो भी फंक्शन दे रखा होता है उसको y मान लेते हैं। साइन टैन इनवर्स e की पावर माइनस x ये है, तो जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो सबसे पहले मुझे क्या देखना होता है, कितने तरीके के फंक्शन यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। पहले है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन, फिर है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन टैन इनवर्स, फिर है एक्सपोनेंशियल फंक्शन e की पावर माइनस x, फिर जो है ना फिर एल्जेब्रिक फंक्शन भी है माइनस x। अगर सिर्फ x होता तो x का डिफरेंशियल क्या होता है, अभी यहाँ तो माइनस x दे रखा है तो माइनस x का डिफरेंशियल माइनस 1 हो जाएगा। चार तरीके के फंक्शन हैं, ठीक है, फंक्शन के अंदर फंक्शन 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 वो दे रखा है, तो कहीं पर भी कोई फंक्शन मल्टीप्लाई नहीं हो रहा। देखो ये साइन ऑफ टैन इनवर्स ऑफ e की पावर ऑफ माइनस x, तो सबका फंक्शन का फंक्शन है ना, तो कहीं पर मल्टीप्लीकेशन नहीं है, डिवीजन नहीं है, तो क्वेश्चन रूल और प्रोडक्ट रूल नहीं लगेगा। तो क्या करेंगे, dy by dx, अब एक एक करके करते चले जाओ। dy by dx सबसे पहले क्या दे रखा है, साइन, ठीक है। आप कहेंगे तो मैं dy by dx लिखकर बताता हूँ, नहीं तो डायरेक्टली भी कर सकते हैं, डायरेक्टली करके दिखा रहा हूँ, ना समझ में आया तो बता देना। सबसे पहले साइन को करेंगे तो साइन का क्या हो जाएगा, कॉस। सबसे पहले साइन को डिफरेंशिएट करा तो कॉस, आगे जो भी लिखा हुआ है एज इट इज लिखो, टैन इनवर्स e की पावर माइनस x, साइन खत्म हुआ, फिर आएगा टैन इनवर्स, तो टैन इनवर्स का डिफरेंशियल होता है 1/1 + x², तो ये हो जाएगा 1/1 + x। क्या है, जो टैन इनवर्स के आगे लिखा है भाई वही x है, तो e की पावर माइनस एक्स का स्क्वायर, साइन हो गया, टैन इनवर्स का ये हो गया, अब बचा e की पावर माइनस एक्स, e की पावर माइनस एक्स का डिफरेंशियल भी e की पावर माइनस एक्स ही होता है, e की पावर एक्स का डिफरेंशियल भी e की पावर एक्स ही होता है, तो e की पावर माइनस एक्स का क्या होगा, e की पावर माइनस एक्स ही होता है। उसके बाद देखिएगा, उसके बाद माइनस एक्स बचा, माइनस एक्स का डिफरेंशियल क्या होगा, तो एक्स का डिफरेंशियल 1 है, माइनस एक्स का तो माइनस 1 होगा, माइनस 1 हो गया। क्लियर कहो तो मैं अलग अलग लिख कर बताऊँ, मैं अलग अलग कैसे लिखता, साइन को तो पहले मैं डायरेक्ट करता कि कॉस टैन इनवर्स e की पावर माइनस एक्स, फिर मैं लिखता डी बाई डी एक्स ऑफ टैन इनवर्स e की पावर माइनस एक्स मल्टीप्लाई बाई डी बाई डी एक्स ऑफ e की पावर माइनस एक्स, जो कि e की पावर माइनस एक्स ही, मल्टीप्लाई बाई डी बाई डी एक्स ऑफ माइनस एक्स, जो कि माइनस वन। तो मैं एक स्टेप शॉर्ट कर दिया है, एक स्टेप खा गया हूँ, बताइए क्लियर है? ठीक है, हाँ जी बताइए अश्विका, समझ गए? अच्छा अब इसको क्या करना है, थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लो, e की पावर माइनस एक्स इंटू माइनस वन, तो माइनस e की पावर माइनस एक्स, ऐसे लिखो माइनस e की पावर माइनस एक्स कॉस टैन इनवर्स e की पावर माइनस एक्स अपॉन 1 + e की पावर माइनस 2x, पावर की पावर मल्टीप्लाई कर 1 + e की पावर माइनस 2x, ठीक है, ये डी वाई बाई डी एक्स हो गया खत्म। ठीक है, इसके अलावा कौन सा बता रहे थे, 7th? सेवन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 है y इज इक्वल टू
अंडर रूट ई की पावर रूट एक्स। फंक्शन जरा बता दो कि कितने हैं, चलो चार है ठीक है, मान लिया चार। एलजेब्रिक भी करो। एलजेब्रिक क्या है लास्ट में, क्या है ना, तो एक्स का तो डिफरेंशियल वन हो जाता है, तो वो चाहे मानो चाहे मत मानो, है ना, क्योंकि वन है मल्टीप्लाई होगा, पर अगर आप चार कह रहे हैं उस एक्स को मानते हुए तो ठीक है कोई बात नहीं। तो सबसे पहला क्या है रूट, उसके बाद क्या है e की पावर एक्सपोनेंशियल वाला, फिर उसके बाद एक और रूट, तो तीन, और उसके बाद x, एलजेब्रिक फंक्शन यानी कि चार फंक्शन है, और चारों को क्या करेंगे लाइन से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या हुआ। अच्छा तो आप ये देखिएगा कि जब हमारे पास रूट एक्स आ गया तो रूट एक्स का डिफरेंशियल क्या होता है, रूट एक्स का डिफरेंशियल वन अपॉन टू रूट एक्स, डिवाइड बाय dx इक्वल टू वन अपॉन टू रूट e की पावर रूट एक्स, तो वन अपॉन टू रूट एक्स, रूट के अंदर जो भी लिखा हुआ है वो रूट एक्स है, तो रूट एक्स का डिफरेंशियल वन अपॉन टू रूट एक्स। फिर अब है ई की पावर रूट एक्स, तो ई की पावर रूट एक्स का डिफरेंशियल भी ई की पावर रूट एक्स, ठीक है, फिर रूट एक्स, रूट एक्स का डिफरेंशियल वन अपॉन टू रूट एक्स, फिर एक्स, एक्स का डिफरेंशियल वन। इसमें किसी को कन्फ्यूजन तो नहीं हो रहा है। सबसे पहले मैंने क्या करा, मैंने इस रूट को डिफरेंशिएट करा है, तो रूट का डिफरेंशियल क्या होता है, वन अपॉन टू रूट, जो भी रूट के अंदर लिखा हुआ है, वन अपॉन टू रूट एनीथिंग जो भी लिखा है वो हो गया, तो ये रूट डिफरेंशिएट हो गया। अब उसके बाद ई की पावर एनीथिंग, ई की पावर एनीथिंग, ई की पावर एनीथिंग ही होता है, तो ई की पावर रूट एक्स का डिफरेंशियल भी ई की पावर रूट एक्स हो गया। फिर ऊपर क्या लिखा हुआ था, रूट एक्स, रूट एक्स का डिफरेंशियल वन अपॉन टू रूट एक्स, फिर रूट एक्स का करें ना डिफरेंशियल, रूट एक्स के अंदर क्या लिखा हुआ है, एक्स, एक्स का डिफरेंशियल, क्लियर। चलिए जी, तो अब क्या करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, इधर वन अपॉन टू है, इधर भी वन अपॉन टू है, इसको लिखेंगे वन अपॉन फोर, रूट एक्स भी इधर ही है, रूट एक्स। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, ये e की पावर रूट एक्स है, इसको बोल सकता हूँ e की पावर रूट एक्स की पावर वन, ठीक है, और ये e की पावर रूट एक्स का रूट है, इसको बोल सकते हैं e की पावर रूट एक्स की पावर वन बाई टू। ऊपर वाला क्या है, e की पावर रूट एक्स की पावर वन, e की पावर रूट एक्स की पावर वन, और ये e की पावर रूट एक्स का अंडर रूट, अंडर रूट का मतलब क्या होता है, पावर वन बाई टू, ठीक है ना। डिनोमिनेटर में टू था, टू था, रूट एक्स था, तो टू टू जा फोर रूट एक्स, फोर रूट एक्स, ऊपर वन, और ई की पावर रूट एक्स की पावर वन, नीचे ई की पावर रूट एक्स की पावर वन बाई टू, ये वन बाई टू को ऊपर ले जाओ तो वन माइनस वन बाई टू हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, वन अपॉन फोर रूट एक्स ई की पावर रूट एक्स की पावर वन माइनस वन बाई टू, वन माइनस वन बाई टू मतलब वन बाई टू, इसका मतलब की पावर रूट एक्स का रूट अपॉन टू रूट एक्स, ठीक है, समझ गए, ये हो गया। कई बार ना इसमें प्रूव करने के लिए भी पूछा जा सकता है कि आप प्रूव करके दिखाइए डी वाई बाई डी एक्स वाई अपॉन फोर रूट एक्स के बराबर होगा, ये जो न्यूमरेटर में टर्म आया है इसको वाई बोल दो, वाई यही तो था ओरिजिनली, वाई यही तो था, ठीक है, तो प्रूव करने के लिए भी कई बार आ जाता है। आगे मैं कुछ क्वेश्चंस करूँगा, डबल डेरिवेटिव में ऐसे क्वेश्चंस हैं कि कई बार जब हम डिफरेंशिएट करते हैं ना, तो डिफरेंशिएट करने के बाद जो डिफरेंशिएटेड टर्म होती है उसमें तो मुझे ओरिजिनल फंक्शन मिल जाता है, तो ओरिजिनल फंक्शन मिल गया ना यहाँ पर, उसको वही लिख दिया। ये मैं बता रहा हूँ कि अगर मान लीजिए प्रूव करने के लिए आता है तो इसको देख कर ऐसे खतरनाक चेहरे बनाने की जरूरत नहीं है, सबको समझ में आ रहा है, क्लियर है, ठीक है, टेंशन तो नहीं है। अब बताइए फोर्थ से अपना जी बोलो ना सर, एफ एक्स इज इक्वल्स टू मॉड कॉस एक्स, हाँ, इसको डिफरेंशिएट कर दो और एफ डैश को पाई बाय फोर निकाल दो। अश्विका इसके अलावा कोई डाउट है,
x is equal to mod cos x. क्वेश्चन है एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड कॉस एक्स, मॉड कॉस एक्स, और हमको निकालना है एफ डैश पाई बाई फोर, ठीक है, एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड कॉस एक्स। fx is equal to minus cos x when cos x is less than 0, we differentiate nahi kar rahe because mod ko solve kar rahe, when cos x is greater than equal to 0, ठीक है जी। fx की वैल्यू जब हम mod x बोलते हैं तो mod x की डेफिनेशन क्या होती है, मॉड एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स व्हेन एक्स इज लेस देन जीरो एंड प्लस एक्स व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, ठीक है, ठीक। तो अभी ये ऐसे हो गया, अभी कॉस एक्स इज लेस देन जीरो, जीरो डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री, ठीक है। हाँ जी, कॉस एक्स इज लेस देन जीरो तो हम ये जानते हैं यहाँ पर ऑल, ऑल का मतलब कॉस भी पॉजिटिव है, यहाँ पर साइन, यहाँ पर टैन, यहाँ पर कॉस, मैंने शायद करवाया था ये, हाँ वही वाला तो है। तो आप ये देखिएगा कि इधर ऑल पॉजिटिव है, इधर कॉस पॉजिटिव है, तो यहाँ से यहाँ तक इन दोनों क्वाड्रेंट्स में, फर्स्ट में और फोर्थ में, हमारा कॉस नेगेटिव वाला है, ठीक है। तो हम ना और जो कॉस इधर तो कॉस पॉजिटिव है, और नेगेटिव कहाँ पर है, 90 डिग्री से 270 डिग्री तक, तो 90 डिग्री को मैं क्या बोलता हूँ, पाई बाई टू, और 270 डिग्री को क्या बोलते हैं, 3 पाई बाई टू, ये पाई बाई टू, ये पाई, तो भाई पाई बाई टू से 3 पाई बाई टू तक कॉस रहेगा नेगेटिव, एफ एक्स इज इक्वल टू माइनस कॉस एक्स व्हेन x is greater than pi by 2 and less than 3 pi by 2, equal नहीं रहेंगे, equal नहीं रहेंगे, equality पर तो 0 आ रहा है, cos pi by 2 0 होता है, 3 pi by 2 भी 0 होता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ लिखेंगे cos x, when cos x का मतलब ये cos x positive कहाँ तो होगा, cos x positive होगा ये first quadrant और fourth quadrant, तो हम बढ़ते हुए ऑर्डर में क्यों ना लिख रहे हैं इसको, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि यहाँ से यहाँ तक, तो इसको मैं क्या बोलूँगा, इसको मैं माइनस पाई बाई टू बोल दूंगा। अगर हम जीरो डिग्री से एंटी क्लॉक वाइज घूमते हैं तो पहला पड़ाव क्या आता है, प्लस का पाई बाई टू, जीरो डिग्री से एंटी क्लॉक वाइज ना घूम कर क्लॉक वाइज घूम जाओ तो जो पहला पड़ाव आएगा वो कहलाएगा माइनस पाई बाई टू। तो ये 3 पाई बाई टू आया, इधर से एंटी क्लॉक वाइज घूम कर आए तो 270 डिग्री, अगर हम क्लॉक वाइज घूमते हुए गए तो ये माइनस 90 डिग्री कहलाएगा, माइनस पाई बाई टू, ठीक है। तो माइनस पाई बाई टू से प्लस पाई बाई टू, बस लिखने के लिए बता रहा हूँ, सिर्फ लिखना है, कोई यूज नहीं होता है इसके बाद। ठीक, तो भाई जब भी कभी हमको डिफरेंशिएशन करना होता है तो डिफरेंशिएशन करने से पहले मॉड को सिंप्लीफाई करना जरूरी है, कर लिया। अब इसके बाद एफ डैश एक्स, ठीक है, मॉड को सिंप्लीफाई क्यों करा, क्योंकि मॉड का कोई डिफरेंशियल नहीं होता, ठीक है। जैसे रूट एक्स था तो रूट का डिफरेंशियल होता है, लॉग का डिफरेंशियल होता है, ई पावर समथिंग का डिफरेंशियल होता है, मॉड का नहीं होता, इस वजह से मॉड को पहले सिंप्लीफाई करते हैं, कर लिया ना। अब एफ डैश एक्स कितना हो जाएगा बताइए भाई, कॉस एक्स अगर सिंपली होता तो कॉस एक्स का डिफरेंशियल होता माइनस साइन एक्स, तो माइनस कॉस एक्स है तो इसका हो जाएगा प्लस साइन एक्स, प्लस साइन एक्स, व्हेन एक्स इज प्लस साइन एक्स, व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन पाई बाई टू एंड लेस देन 3 पाई बाई टू, और कॉस एक्स का क्या हो जाएगा माइनस साइन एक्स, व्हेन एक्स इज माइनस पाई बाई टू एंड लेस देन 3 बाई टू, सही है। अब वो बोल रहे हैं कि एफ डैश एक्स आपको निकालना है, और आपको निकालना है एफ डैश पाई बाई फोर,
भाई पाई बाई फोर कौन सी कैटेगरी में लाई करेगा बता दो, इस वाले में लाई करेगा, समझ गए, पाई बाई फोर आपका इस वाली कैटेगरी में लाई करेगा, तो ये वाली कैटेगरी मेरे लिए बेकार होगी, ये नहीं होगा, ठीक है, तो ये वाली कैटेगरी हमारे लिए बेकार हो गई, क्योंकि माइनस पाई बाई टू से प्लस पाई बाई टू, माइनस पाई बाई टू से प्लस पाई बाई टू, पाई बाई फोर इधर लाई करता है फर्स्ट क्वार्टर, तो इसलिए एफ डैश पाई बाई फोर इज इक्वल टू माइनस साइन पाई बाई फोर। इस क्वेश्चन का सारा कुछ जो इन्हीं में छुपा हुआ था, रीजन क्या है, ज़्यादातर बच्चों के दिमाग में आता है मॉड है, अच्छा मॉड तो पॉजिटिव रिजल्ट डिलीवर करेगा मेरे को, ठीक है, ये कहना है कॉस एक्स का निकाल माइनस साइन एक्स, कॉस एक्स का निकाल दिया माइनस साइन एक्स कर दिया, अच्छा मॉड है मॉड, तो मॉड माइनस साइन एक्स को प्लस साइन एक्स बना देगा, प्लस साइन एक्स हो गया, लगा दो पाई बाई फोर, साइन पाई बाई फोर वन अपॉन रूट टू, कर डाला भाई मैंने, एक नंबर पक्का है, ठीक है भाई, एक नंबर जीरो हो गया, समझ जाना कि वो कहाँ पर लाई कर रहा है, वो इस वाली कैटेगरी में लाई कर रहा है, तो इस वाली कैटेगरी में वो माइनस साइन एक्स है, ठीक है, तो माइनस साइन एक्स का मतलब क्या हो गया, माइनस का वन अपॉन रूट टू, ये है, समझ गया, सिंपल है, और स्टूडेंट्स टेक केमिस्ट्री याद नहीं है क्या, ये तो है, पर और कोई तरीका जैसे इनवर्स के ना 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 भाई, तो इनवर्स कहाँ लोगे फिर, एक एक चीज़ देखिए मॉड है ना, तो मॉड को सिंप्लीफाई करने का बस इतना ही तो तरीका कि मॉड एक्स का डेफिनेशन क्या है, मॉड एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स एंड एक्स इज लेस देन जीरो एंड और प्लस एक्स एंड एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। आपका टेस्ट मैंने कल बताया परसों बनाया, सही बताओ, ठीक है कल है ना, परसों है ना शायद, हाँ ठीक है, बताओ बताओ क्या कह रहे थे बोलो, अच्छा 5.5 तक, 5.5 तक ही कराया ना अभी लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन का, अभी मैं ना एनसीईआरटी में से ले रहा हूँ टेस्ट, हाँ जी सेंटर, हाँ तो तुमने तो पहले ही बताया था, ठीक है कोई बात नहीं, जब आओगे तब देना, आना कब है, मंडे को नहीं, मंडे की शाम को, अच्छा सैटरडे की शाम को, अच्छा मंडे की शाम, ठीक है ट्यूसडे को देना, ठीक है, तो अभी हम एनसीईआरटी में से ले रहे हैं टेस्ट, फिर उसके बाद ना कुछ क्वेश्चंस आपको भेजूंगा जो लास्ट ईयर के हैं, वो सारे क्वेश्चंस आपको भेजूंगा डिफरेंशिएशन के, डिफरेंशिएशन जो है इम्पोर्टेंट टॉपिक है, कैलकुलस आपको बताइए 35 नंबर का, चलिए जी, अच्छा मॉड के अंदर इतने खतरनाक क्वेश्चन आज तक तो आए नहीं, वैसे रहने को छोड़ो, ठीक है, चलिए जी बताइए और कहीं कोई डाउट है, 5.4 में 5.3 में 5.2 5.5 में कोई डाउट तो बताओ, एक्सरसाइज 5.5 का क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, ये दे रखा है आपको x की पावर x माइनस 2 की पावर साइन x, इसको y मान लीजिए x की पावर x माइनस 2 की पावर साइन x, तो भाई x वाला टर्म अगर x वाला टर्म अगर पावर में आ जाता है तो उसको हम लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन से सिंप्लीफाई करते हैं, तो यहाँ पर ये डिफरेंशिएट साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में दोनों तरफ डिफरेंशिएट करिए तो ये आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर एक्स माइनस डी वाई डी एक्स ऑफ टू की पावर साइन एक्स, ये हो गया डी वाई बाई डी एक्स
इज इक्वल टू डी यू बाई डी एक्स माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ सॉरी डी वी बाई डी एक्स, इसको बोलो इक्वेशन नंबर वन, वेयर यू इज इक्वल टू एक्स की पावर एक्स एंड वी इज इक्वल टू टू की पावर साइन एक्स। ये ठीक है, करेंगे ट्राई एक बार, करेंगे ट्राई मुझे बस एक मिनट, एक मिनट में देखो भाई u इज इक्वल टू x की पावर x दे रखा है, तो आप क्या करेंगे यहाँ पर दोनों तरफ log ले लेंगे, अच्छा मैं आप लोग खुद से ट्राई कर रहे हैं, करते रहो मैं बिना बोले कर रहा हूँ, इसको माए समझ के देख लेंगे।
बताइए यही आ रहा है सबका, डी यू बाई डी एक्स और डी वी बाई डी एक्स। ठीक है, तो देख लीजिए क्या है कि सबसे पहले यू को हमने ले लिया एक्स की पावर एक्स और वी को ले लिया टू की पावर साइन एक्स, ये ले लिया। अब जब भी कभी हमको मालूम है कि पावर में जब भी कभी एक्स वाली टर्म होती है या सीधा सीधा एक्स भी होता है पावर में, तो हम दोनों तरफ लॉग ले लेते हैं। हमने लॉग ले लिया तो ये हो गया लॉग यू इज इक्वल टू लॉग एक्स की पावर एक्स, ये हो गया। उसके बाद देखिएगा लॉग यू विल रिमेन एज इट इज, और ये लॉग के आगे जो टर्म लिखा रहता है उसकी पावर में जो भी कुछ होता है वो फ्रंट में मल्टीप्लाई हो जाता है, तो लॉग यू इज इक्वल टू एक्स लॉग एक्स। हम डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो लॉग यू का डिफरेंशियल एंड लॉग का डिफरेंशियल वन अपॉन यू, फिर यू का एक्स के रिस्पेक्ट में डी यू बाई डी एक्स इज इक्वल टू, फिर एक्स विल रिमेन एज इट इज डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स, ठीक है, प्लस लॉग एक्स विल रिमेन एज इट इज डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स, ये हो गया। तो डी यू बाई डी एक्स मीन यू को इधर ले गए, यू को इधर ले गए, तो एक्स एज इट इज डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स इज वन अपॉन एक्स प्लस लॉग एक्स एज इट इज डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स इज वन। एक्स से एक्स कट गया तो यू की वैल्यू लग गई अगर एक्स की पावर एक्स इंटू वन प्लस लॉग एक्स, तो ये आ गया डी यू बाई डी एक्स, क्लियर। ठीक है, अब v की बात करते हैं, तो v इज इक्वल टू टू की पावर साइन एक्स, और दोनों तरफ लॉग ले लिया क्योंकि x वाली टर्म कहाँ पर है पावर में, तो log v इज इक्वल टू साइन एक्स log टू की पावर साइन एक्स, साइन एक्स फ्रंट में मल्टीप्लाई हो जाएगा साइन एक्स log टू, ये टू तो कॉन्स्टेंट है, टू का अगर log भी ले लेंगे तो भी वो कॉन्स्टेंट ही रहेगा, तो log टू इज अ कॉन्स्टेंट। तो जब कभी कॉन्स्टेंट होता है तो कॉन्स्टेंट विल रिमेन एज इट इज, और जो वेरिएबल वाला टर्म है उसको डिफरेंशिएट कर देते हैं, तो log 2 into cos x और इधर log v का डिफरेंशियल हो गया 1 upon v dv by dx, फिर v को उधर ले गए तो dv by dx is equal to v log 2 cos x, अब v क्या है 2 की पावर sin x log 2 cos x, तो ये dv by dx हो गया। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं हम dy by dx की from equation 1, from equation 1 dy by dx is equal to du by dx minus dv by dx, minus, तो du by dx की वैल्यू रखी x की पावर x वन प्लस log x माइनस टू की पावर साइन x log cos x, आपको 5.5 तक कहीं और कोई डाउट है तो बताइए। ठीक है जी, तो मैं अगला डिफरेंशिएशन स्टार्ट कर रहा हूँ, डेरिवेटिव ऑफ फंक्शंस इन पैरामीट्रिक फॉर्म्स। देखिए अगर कहीं पर ऐसे लिखा हुआ है 17 अपॉन 31 डिवाइडेड बाय 42 अपॉन 31, अगर मान लीजिए कहीं पर ऐसे लिखा हुआ है, तो दो तरीके होते हैं इसको सॉल्व करने के। एक तो आप ऐसे लिखोगे 17 अपॉन 31 मल्टीप्लाइड बाय 31 अपॉन 42, 31 से 31 कट जाएगा, ये आ जाएगा 17 अपॉन 42। ठीक है, ये आपने बचपन में करा था। दूसरा तरीका ये है कि आप इसको सीधा डिवाइड में ले जाओ, 17 अपॉन 31 ऊपर रैशनल नंबर डिवाइड बाई 42 अपॉन 31 नीचे रैशनल नंबर, ऊपर वाले रैशनल नंबर का भी डिनोमिनेटर और नीचे वाले रैशनल नंबर का भी डिनोमिनेटर, दोनों का डिनोमिनेटर 31 है, 31 से 31 कट गया। ऐसे ही न्यूमरेटर में अगर कुछ कट रहा होता तो न्यूमरेटर से न्यूमरेटर का कट जाता, डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर कट जाएगा या डिवाइड हो जाएगा, न्यूमरेटर से न्यूमरेटर डिवाइड होगा, तो दिस कम्स आउट टू बी 17 अपॉन 42। तो चाहे ये तरीका अपनाओ चाहे ये तरीका अपनाओ दोनों ठीक है। अब नोट कीजिए पैरामीट्रिक फंक्शंस, पैरामीट्रिक फंक्शंस, पैरामीट्रिक फंक्शंस में क्या होता है, पैरामीट्रिक फंक्शंस में ये है कि हमको x जो है वो k
किसी दूसरे वेरिएबल की टर्म्स में दे रखा है, वाई जो है वाई भी उस दूसरे वेरिएबल की टर्म्स में दे रखा है, और हमसे पूछा जाएगा डिवाई बाई डी एक्स की टर्म, है ना, ऐसा बोला जाएगा। मान लीजिए कि x हमको दे रखा है z की टर्म्स में, ठीक, y जो है वो भी z की टर्म्स में दे रखा है, और हमसे पूछा जाए कि dy by dx निकालो या dx by dy निकालो, तो कैसे निकालेंगे, वो करना है हमको पैरामीट्रिक फंक्शन में। ये डिवीजन वाला फंडा वहाँ पर काम आएगा, इसलिए बताया, ठीक है। अब देखिए, अगर मैं ना सीधा क्वेश्चन करा रहा हूँ, एग्जाम्पल 34 है, फाइंड dy by dx, dy by dx, if x is equal to a cos theta, if x is equal to a cos theta, comma y is equal to a sin theta, if x is equal to a cos theta, y is equal to a sin theta, ठीक है, ये मैं डाल नीचे से। अब आप ये देखिएगा कि यहाँ पर x जो है वो हमें अलग वेरिएबल की टर्म्स में दे रखा है, थीटा, है ना, और जो वाई है वाई भी थीटा के टर्म्स में दे रखा है। तो क्या करेंगे हम, पहले निकालेंगे dx by d theta, dx by d theta, और dx by d theta क्या हो जाएगा, a is a constant, ये x तो था, और cos theta का डिफरेंशियल थीटा के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, माइनस साइन थीटा, ठीक है। फिर थीटा को अगर थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो वो तो वन ही आ जाएगा, करने की जरूरत नहीं, और dx by d theta ही आ गया। फिर dy by d theta, तो a is a constant, it will remain as it is, sin theta का differential क्या हो जाएगा, cos theta, ये हो गया। dy by dx will be equal to dy by d theta upon dx by d theta, ये समझ गए कहानी, क्योंकि d थीटा से d थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा क्या, dy by dx ही बचेगा, ठीक है। तो ऊपर लिखिए dy by d थीटा यानी कि a cos थीटा, और नीचे लिखिए dx by d थीटा यानी कि माइनस a sin थीटा, ये से a कट गया, cos थीटा अपॉन माइनस sin थीटा क्या बन जाएगा, माइनस cot थीटा, भाई प्लस डिवाइडेड बाय माइनस हो या माइनस डिवाइडेड बाय प्लस हो, ओवरऑल फ्रैक्शन माइनस ही करना है, ठीक है ना, माइनस हो गया और फ्रैक्शन क्या है, कॉस अपॉन साइन यानी कि कॉट, तो कॉट थीटा माइनस का कॉट थीटा, समझ गए। पैरामीट्रिक फंक्शन में बस यही है कि आपको एक्स अलग फंक्शन की टर्म्स में दे रखा होगा अलग वेरिएबल की, वाई अलग वेरिएबल की टर्म्स में दे रखा होगा, बोलेंगे डी वाई बाई डी एक्स निकालो या डी एक्स बाई डी वाई निकालो, ये होगा, ठीक है। अगला देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 35, एग्जाम्पल 35 में है, फाइंड dy by dx, इफ x इज इक्वल टू 18 स्क्वायर, इफ x इज इक्वल टू 18 स्क्वायर कॉमा y इज इक्वल टू 280, ठीक है। मुझे dy by dx निकालना है, क्या करेंगे, इसे वही काम, अब वेरिएबल नजर आता है t, ठीक है, तो अब क्या करेंगे, dx by dt, dx by dt क्या हो जाएगा, a is a constant और t square का differential 2t, ठीक है, तो dx by dt क्या हो गया 2at, फिर निकालिए dy by dt, तो dy by dt 2 और a दोनों के दोनों constant हैं, तो 2a और t का डिफरेंशियल क्या हो गया 1, तो रिजल्ट आ गया 2a, ठीक है। तो dy by dx will be equal to dy by dt upon dx by dt, dy by dt is 2a और dx by dt is 2at, 2a से 2a कर दिया, रिजल्ट इज 1 upon t, dy by dx is 1 upon t, ठीक है। अगला देखिए एग्जाम्पल नंबर 36,
36. Finally, dy by dx if x is equal to a theta plus sine theta, a bracket में है theta plus sine theta, y is equal to a 1 minus cos theta, a bracket में 1 minus cos theta, ये x हो गया और y हो गया. उसके बाद देखिएगा फिर है dx by, अब क्या करेंगे dy by dx निकालना है, पहले निकालो dx by d theta. तो भाई a तो as it is constant है, तो a will remain as it is, theta के respect में differential 1, sin theta के respect में plus का cos theta, ये हो गया dx by d theta. निकालिए dy by d theta, तो a is a constant, it will remain as it is, 1 एक constant है जो कि अकेला लिखा हुआ है, इसका differential 0, minus cos theta का differential होता है minus sin theta, minus minus plus a sin theta. dy by dx is equal to dy by d theta. हाँ जी बोलिए. हाँ ये देखिए 1 minus cos theta था, तो 1 का differential तो 0, ये minus sin as it is रहेगा और cos theta का differential minus sin theta. ये तो रखा है x a into theta plus sin theta, तो theta का differential theta के respect में 1 plus as it is और sin theta का differential cos theta. ये मैं dx by d theta करूँ, ये मैं dy by d theta करूँ, ठीक है ना. उसके बाद देखिएगा अब ये dy by d theta कितना हो गया, a sin theta, और ये dx by d theta कितना हो गया, a into प्लस कॉस थीटा, ए से कट गया ए, ठीक है. हम कोशिश करते हैं कि अगर कोई जाना पहचाना फार्मूला दिखाई दे तो उस फार्मूले को लगा दो, थोड़ा सिंप्लीफाई कर दो. कैसे, ए 1 प्लस कॉस 2 थीटा अगर होता तो मैं क्या बोलता, 2 कॉस स्क्वायर थीटा. अब 1 प्लस कॉस थीटा है तो क्या बोलेंगे, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2. और ऊपर अगर साइन 2 थीटा होता तो क्या बोलते, 2 साइन थीटा कॉस थीटा. तो केवल साइन थीटा है, क्या बोलेंगे, 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2 अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इज 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, 2 से 2 कट गया और 1 कॉस थीटा बाई 2 से 1 कॉस थीटा बाई 2 कट गया. साइन थीटा बाई 2 अपॉन कॉस थीटा बाई 2 इज टेन थीटा बाई 2, ये टेन थीटा बाई 2 आपका, समझ गए. ये है जी हमारा पैरामीट्रिक फंक्शंस, और एक एग्जांपल इसमें छूटा हुआ है, एग्जांपल 37 अगली क्लास में आपको करा दूंगा, पर सैटरडे के लिए आप प्रिपेयर रहिए 5.5, ठीक है. ये आप ढंग से करिए, इस बार आपका टेस्ट एनसीईआरटी में से, इधर उधर से कहीं से क्वेश्चन नहीं आया, एनसीईआरटी में से, ठीक है. ढंग से प्रिपेयर करके आना, चाहे सारे क्वेश्चन रट डालना, लेकिन किसी भी बच्चे के नंबर कम नहीं चाहिए, ढंग से करके आना. एक्सरसाइज 5.5.